नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूं आपका आज तक 24 न्यूज में। आइए करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर रुख। पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर श्री मनोज कुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि लगातार हो रही वाहन चोरी के अपराधों में कमी लाए जाने हेतु अलीराजपुर पुलिस के द्वारा वाहन चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लिया गया तथा कार्य योजना बनाई गई ताकि वाहन चोर गिरोह को पकड़ा जा सके। इस दिशा में अलीराजपुर पुलिस के द्वारा लगातार गंभीरता से अपनी विशेष कार्य योजना के तहत कार्यवाही की जा रही थी। तभी पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी केशर या पिता नवल सिंह कलेश निवासी घोगलपुर थाना सोंडवा के पास अलीराजपुर कस्बे से चुराई गई मोटरसाइकिल होना पाया गया है, जिस पर कोतवाली पुलिस टीम के द्वारा आरोपी केशरिया को दबिश देकर गिरफ्तार किया गया तथा इससे सख्ती से पूछताछ करते हुए अपने अन्य साथी कमल सिंह पिता सूर सिंह निवासी ग्राम लखनकोट का भी उसके साथ वाहन चोरी में सम्मिलित होना बताया, जिस पर आरोपी कमल सिंह को भी दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। आरोपी गणों से सख्ती से पूछताछ करने पर इनके द्वारा चुराए गए वाहन अपने घर एवं खेतों में छुपाए हुए थे। उक्त दोनों आरोपी गणों से कुल 17 वाहन जब्त किए गए, जिसमें से 5 वाहन अलीराजपुर कस्बे एवं 12 वाहन अन्य स्थानों से चुराए गए थे। जब्त वाहन की अनुमानित कीमत करीबन 10 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसमें बुलेट अपाचे एवं होंडा श्राइन वाहन है। इसी प्रकार विगत सप्ताह अलीराजपुर कस्बे से एक बोलेरो 4 पहिया वाहन चोरी हुआ था। उक्त वाहन की पतारसी हेतु कोतवाली पुलिस टीम के द्वारा घटना दिनांक से ही लगातार पतारसी के प्रयास किए जा रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप ही कोतवाली पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि उक्त बोलेरो वाहन तथा चांदपुर क्षेत्र के रहने वाले 3 आरोपीगणों के द्वारा उक्त बोलेरो वाहन चुराया गया था, जिनको दबिश देकर पुलिस के द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर इनके द्वारा उक्त बोलेरो वाहन चोरी करना स्वीकार किया गया, जिनके कब्जे से बोलेरो वाहन कीमत 5 लाख रुपए जब्त किया गया। उक्त घटना के आरोपीगणों को गिरफ्तार करने में अलीराजपुर पुलिस टीम SDOP श्री श्रद्धा सोनकर जी और थाना प्रभारी शिवराम तरूले व उनके अधीनस्थ टीम के सदस्यों में सौनी मनीष कुमार सौनी कालू सिंह अलावा प्रार सुनील डूडवे प्रधान आरक्षक रमेश अलावा आरक्षक नागर सिंह आरक्षक गंगा सोलंकी आरक्षक सुनील आरक्षक विजय आरक्षक राकेश आरक्षक रणवजीत आरक्षक दूले सिंह आरक्षक वीरेंद्र लालू एवं उदय का सराहनीय योगदान रहा। पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर श्री मनोज कुमार सिंह ने बताया कि वाहन चोरी की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण जिले में लगातार आकस्मिक रूप से वाहन चेकिंग की कार्यवाही की जा रही है तथा वाहन चोर गिरोह की धरपकड़ हेतु लगातार सक्रियता बनाई हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप ही कोतवाली पुलिस टीम के हत्थे वाहन चोरी के 2 गिरोह का पर्दाफाश करने में अभूतपूर्व सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर के द्वारा वाहन चोरी गिरोह का पर्दाफाश करने वाली टीम के सदस्यों को इनके उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। अलीराजपुर जिला संवाददाता मुस्तकीम मुगल की रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।